नमस्कार। संगीत की हमारी आज की इस सभा में एक बार फिर से सभी संगीत प्रेमियों का, सभी संगीत सुधियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अलंकार कैसे बनते हैं आपको पता है, आरोह अवरोह दोनों के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया गया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों पर जरूर से अध्ययन किया होगा, उन चीजों को समझा होगा और अब तक आप काफी कुछ ऐसा समझ चुके हैं कि संगीत ऐसी कोई बहुत जटिल चीज नहीं है जिसको समझने के लिए बहुत सारा आपको समय देना हो या बहुत ज्यादा आपको उसमें कॉन्शियस होना पड़े। आराम आराम से बहुत सहज तरीके से भी संगीत को समझा जा सकता है। तो अब हम अलंकारों पर आगे बात करने वाले हैं, यानी कि हम अलंकारों के अभ्यास पर आने वाले हैं। आपको याद होगा एकदम शुरू में जब मैंने संगीत के बारे में आपको बताया था और प्रैक्टिस के बारे में बताया था, उस वक्त मैंने आपसे दो बातें की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि संगीत में प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं। एक जिसको हम साधना कहते हैं और एक वो जिसको हम अभ्यास कहते हैं। संगीत में साधना और संगीत अभ्यास, इन दोनों का अपना अपना महत्व है। आपको मैंने बताया था कि संगीत साधना को आप ऐसे समझिए जैसे हम अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए योग करते हैं, योग का सहारा लेते हैं, और उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो योग के अलावा, योग के साथ या योग के अलावा जिन्हें जिम जाना पसंद होता है, जो वर्जिश करते हैं, जो कसरत करके अपने शरीर को दुरुस्त रखना चाहते हैं, उसको हम अभ्यास का नाम देते हैं। अब संगीत में जो योग की बात, साधना की बात जो मैंने की थी, आपको मैंने जो तरीका एक स्वरों से मित्रता का बताया है, यानी कि एक एक स्वर पे ठहराव के साथ आपको जो उस स्वर से मित्रता करनी है, यानी उस स्वर को पक्का करना है। एक एक स्वर को आपने 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितनी बार भी किया हो, इसको ही हम साधना का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक ही सुर में अपने को एकाकार कर रहे हैं। हमको एक सुर से दूसरे सुर पे जाने की कोई जल्दी नहीं है, हम एक सुर पे ही संगीत को स्थापित कर रहे हैं और अपने आप को पूरा केंद्रित कर रहे हैं और वो सुर हमको उसी तरीके से, जिस ठहराव से हम उसका अभ्यास यानी कि साधना कर रहे हैं, उसी तरीके से वो सुर भी हमारे अंदर स्थापित हो रहा है स्थायी रूप में। इसको हमने साधना का नाम दिया है जो आप कर रहे हैं। और अब हम जिस पैटर्न पर जाएंगे, स्वर तो वही साथ हमको मिलेंगे यहाँ भी, लेकिन अब हम जिस पैटर्न पर जाएंगे उसको हम कहेंगे अभ्यास। यानी कि वो तरीका जिसको मैंने वर्जिश का, जिसको मैंने जिम में जो कसरत वगैरह होती है, जो एक्सरसाइज होती है, उसका जो नाम दिया है, अब हम उस पैटर्न पे जाएंगे। यानी कि अब स्वरों के साथ कुछ फास्ट वर्क भी हमको करना है। एकदम से अगर आपको कोई चीज बता दी जाए कि अभी आप ठहराव के साथ जो चीज कर रहे हैं उसको एकदम से आपको स्पीड में लाना है, तो वो चीज बिगनर्स के लिए तो बहुत ही कठिन है और जो इसके आदि हैं, जो लोग करते भी रहते हैं संगीत की प्रैक्टिस, उनके लिए भी अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको एक सिस्टम में रहकर सारी चीजों को धीरे धीरे क्रैस्प करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगीत में सुर का जितना महत्व है उतना ही महत्व ताल का और लय का भी है। आपने अक्सर सुना होगा कि सुर, लय, ताल, इन तीन चीजों को मिलाकर संगीत की रचना की जाती है। सुर तो आपने समझ लिए हैं कि 7 स्वर, अच्छी तरीके से आपने समझ लिया, उनका रियाज आप कर रहे हैं। 7 स्वरों का जो डिटेलिंग था वो भी लगभग आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ 2 चीजें बचती हैं, एक है ताल और एक है लय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी लय के बारे में। लय क्या है? लय अगर हम बहुत गहराई से सोचें, एक दार्शनिक तरीके से अगर हम सोचें, तो लय इस संसार की हर चीज में, इस संसार में जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो सब कुछ एक लय में है। उसको महसूस करने की जरूरत है। बहुत अलग विषय हो जाएगा अगर उस विषय में हम फिर से चलेंगे, तो यहाँ हम वापस आते हैं अपने ही टॉपिक पर। यहाँ हम संगीत में लय की बात कर रहे हैं। संगीत में जब हम लय की बात करते हैं
तो यहाँ पर उसको समझने का एक दूसरा तरीका आता है, और वो तरीका सीधे हमको जोड़ता है ताल के साथ। यानी कि संगीत में लय को समझने के लिए हमें ताल का सहारा लेना पड़ता है। संगीत में जब हम अलंकारों में आएंगे, यानी अलंकारों की जब हम प्रैक्टिस पर आएंगे, उस समय आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। यानी कि संगीत में कितनी लय होती है, लयकारी। संगीत में कई प्रकार से लयकारी होती है, बहुत तरीके से लय बनाई जाती है। लेकिन यहाँ जब हम एकदम बिगनर्स की बात कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग पे हम अभी हैं संगीत को जानने की, यहाँ पर आप मुख्य रूप से तीन लय समझने की कोशिश कीजिए, तीन प्रकार की लय समझने की कोशिश कीजिए। अब लय जो है, इनको संगीत में किस तरीके से आप बोलेंगे, या अगर कोई आपसे कहता है तो वो किस भाषा में आपको लय के बारे में इशारा करेगा, उसको कहते हैं गुण। गुण यानी गुना, गुना। जैसे हम कहते ना कि इतने गुना, ये चीज इतने गुना हो गई, उससे आप यहाँ पर एक अंदाज लगा लीजिए। संगीत में लय को एक गुण, दो गुण, चौगुण, आठ गुण, इस तरीके से करके गुण, यानी गुना 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 करके, यानी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ज्यादा कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि एक गुण से दो गुण और दो गुण से चार गुण, अभी हम आठ गुण और उसके आगे, या जो आड़ी लय जिनको बोला जाता है, हम उनमें नहीं आपको लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अभी आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा, और उन चीजों में अभी आपको उलझने की जरूरत नहीं है। अभी आप सीधे सीधे जो आपको तुरंत में जरूरत पड़ने वाली है, वो आपको पड़ेगी तीन तरीके की लय, यानी कि एक गुण, दो गुण और चार गुण। एक गुण, दो गुण और चार गुण। आप समझ गए, मैंने किसी चीज को एक गुना बताया, फिर उसको दो गुना बताया, और उसके बाद तीन नहीं, उसको सीधे चार गुना बताया। यानी कि एक को जब हम डबल करते हैं तो वो बनता है दो, और जब दो को डबल करते हैं, यानी दो गुना, दो का दो गुना कितना होता है, सीधे चार होता है। यहाँ हम आपको एक गुण, दो गुण और चौगुण, चौगुण का मतलब चार गुण, ये आपको बताना चाहेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि शुरुआत हम कर रहे हैं, एक साथ आपको बहुत सारा होमवर्क भी देना ठीक नहीं होगा, और एक साथ बहुत सारी चीजों को आप एकदम से समझना चाहें और हड़बड़ा कर उन चीजों को अटेम्प्ट करना चाहें, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां होने लगें, या कुछ चीजें आपसे छूटने लगें, या कुछ चीजों में लापरवाही के कारण वो चीजें परफेक्शन की ओर ना जाए, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तो बहुत दुख होगा। तो यहाँ हम इतना कर सकते हैं कि अभी हम सिर्फ एक गुण और दो गुण की बात करते हैं। चार गुण में जब हम चलेंगे, उस समय आपको चार गुण पकड़ने की, चार गुण को समझने की इतनी समझ आ चुकी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी आप ऐसे समझिए, एक गुण को ऐसे मान लीजिए जैसे जब हम चलते हैं, हम अपनी चाल से इसको एक अंदाज लगाते हैं, यानी एक दूरी है, एक नाप की दूरी है जिस जगह आपको पहुंचना है। एक समय आपके पास इतना सारा है कि आप आराम आराम से बिल्कुल टहल टहल कर वहां जा रहे हैं, वो आपका हुआ एक गुण। अब उतनी ही दूरी पर आपको जितना समय पहले दिया गया, उसका आधा समय दिया जाता है कि भाई इतनी देर में आपको वहां पहुंचना है। अब आपने क्या किया कि अपनी चाल की रफ्तार बढ़ा दी, बढ़ाई तो इतनी बढ़ाई कि जिसमें आपको दौड़ना नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप चल रहे हैं इत्मीनान से नहीं, लेकिन आप अलर्ट होके चल रहे हैं। ये बना आपका दोगुन। और चौगुन में आपको उतनी ही दूरी तय करनी है, लेकिन समय आपका और आधा कर दिया गया, और कम कर दिया गया, अब आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी कि पूरी फुर्ती से आप वहां पर दौड़ के जा रहे हैं। तो ये एक गुण टहलना, दो गुण चलना और चार गुण दौड़ना, ऐसे आप एक साधारण भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लीजिए। यहाँ हम क्या बात करेंगे, अभी हम दौड़ने की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर सिर्फ टहलने और चलने की बात करेंगे। तो जब हम अलंकारों पे चलेंगे तो उसमें एक गुण और दो गुण, इन दोनों चीजों को समझाने में, आपको समझने में आपको अब बहुत आसानी हो जाएगी। यानी जो चीजें मैं कम स्पीड में आपको करके दिखाऊंगी सुनाऊंगी,
वो एक गुण है और उसके बाद जब उसकी ही ज्यादा स्पीड मतलब तेज स्पीड जब आप देख रहे हैं, उसकी लय मैंने बढ़ा दी, उसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी, तो ये हो जाएगा आपका दोगुण। ये जो गुण है, ये जो लय है, इसको इंग्लिश में टेम्पो भी कहा जाता है। टेम्पो आपने सुना होगा, अक्सर लिखा हुआ भी देखा होगा, म्यूजिक में टेम्पो करके आपको अक्सर लिखा हुआ दिखता है। तो ये टेम्पो जो है यही म्यूजिक में लय है, यही म्यूजिक में स्पीड है। अब इस टेम्पो को ही आपको अपने चलने, अपने टहलने और अपने दौड़ने से रिलेट करके देख के चलना पड़ेगा। तो जब शुरुआत में आप होंगे तो आपको एक गुण और दुगुण को समझने में बिल्कुल दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कहा, सुर लय ताल तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके संगीत की रचना होती है। सुर को समझ चुके हैं, लय मैंने अभी आपको समझा दिया है, अब बची है हमारी ताल की बात। तो ताल को समझने के लिए, ताल शास्त्र बहुत बड़ा है, ताल का अपना पूरा एक विज्ञान अलग होता है, लेकिन यहाँ चूंकि बिना ताल के संगीत हो ही नहीं सकता है, तो आपको संगीत को आसानी से समझने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनको यूज करके आप ताल को आसानी से समझ पाएंगे, जिसमें आपको तबले के या रिदम सेक्शन के डिटेलिंग में नहीं जाना है, लेकिन काफी हद तक आप इतना समझ जाएंगे कि जब भी आपको कहीं गाना है या आपको कुछ बजाना है या कहीं परफॉर्म करना है, आप समझ जाएंगे कि आपको किस ताल में उस चीज को पिरो के रखना है और किस तरीके से उसको संभाल के चलना है। यहाँ हम तबले के साथ आपको अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम आपके अलंकार भी तबले पर ही बताएंगे और आगे की जो भी चीजें, जो नोटेशन आपको मिलेंगे, वो तबले के साथ ही मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लय को समझने के लिए एक आसान तरीका अप्लाई करेंगे और इस तरीके में आपको अभी तबले को या तबले के ऐप को नहीं लेना है, आपको इसके लिए एक स्पेशल ऐप डाउनलोड करना होगा और इसका नाम है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम के नाम से ये ऐप आपको आराम से गूगल पर मिल जाता है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि बीट्स सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत तरीके की बीट्स इसमें मिलेंगी। यहाँ आपको सबसे पहले 4x4 ये बीट सेलेक्ट करनी है और 4x4 बीट को 80 BPM इस पर आपको सेट कर लेना है। उसका साउंड आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जितना आपको आराम से सुनाई दे। इस बीट को लगाने के बाद आपको कैसी आवाज मिलेगी, उस आवाज से आप किस तरीके से लय को समझ पाएंगे और आगे उसको अपने अलंकारों में या अपने संगीत के और भी नोटेशंस में यूज कर पाएंगे, उसके लिए सिंपल सा एक तरीका मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेट्रोनोम ऐप से जो आपको बीट्स मिलने वाली हैं उनकी आवाज आपको सुनाती हूँ और उसके बाद उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि मैं उसको काउंट करने का तरीका भी आपको बता के चलूंगी। ये मेट्रोनोम ऐप की आवाज आपको सुनाई दे रही है। मेट्रोनोम इसमें आपको अलग से इसके अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं देगी जब तक आप इसमें कुछ और चेंजेस नहीं करते। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप इसको लगाइए, 80 BPM पर लगाइए और वही स्पीड मैंने लगाई हुई है जो आपको सुनाई दे रही। अब आप इसको ध्यान से सुनिए, काउंट कैसे करना है। चार बीट्स को आपको काउंट करके चलना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल। बस इसको चलने दीजिए और उसके बाद उसी के साथ जो अलंकार आपको मैं बताऊंगी उसको आपको इसी बीट पे एक एक नोट को रखते हुए चलना है। जैसे मैं गाऊंगी, आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, जैसे मैं गाऊंगी मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद उसके साथ काउंट करके देखिएगा। जब आप गाएंगे तो आपको इस बीट का सहारा लेके ही अपने अलंकार को कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से ये बीट आपको मिलती रहेंगी। आज मैं आपको इसी बीट के साथ, यानी मेट्रोनोम की इसी बीट्स के साथ आपको तीन अलंकारों की प्रैक्टिस करना बताना चाहती हूँ। तीन अलंकार
सिंपल जो आपकी 4-4 बीट्स पर ही चलेंगे, 4x4 बीट्स पर चलेंगे। यहाँ आपको सबसे पहले जरूरत है, एक बार फिर से अपनी डायरी, अपनी नोटबुक को उठाना है और उसमें अलंकार को सीक्वेंस में लिख लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको आसान तरीके समझा रही हूँ, जिनसे आपको प्रैक्टिस करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आए, आप बार बार कंफ्यूज ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको एक बार लिख लें। आप अपनी डायरी में सबसे ऊपर लिखेंगे अलंकार एक, हेडिंग बनाएंगे अलंकार एक और ब्रैकेट में लिख लेंगे 4x4। ये 4x4 क्या है? ये 4x4 ये वो बीट है जिसपे आपको इस अलंकार को करना है। अब आपने अलंकार एक लिखा, हेडिंग बनाइए अलंकार एक, नीचे साइड में हेडिंग बनाइए आरोह, उसके आगे पूरा आरोह लिखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। आखिरी का जो सा है इसके ऊपर आप एक छोटा सा डॉट दे दीजिए, इतना छोटा जो आपको दिखाई दे। इसके बाद फिर से साइड में हेडिंग बनाइए अवरो, उसके बाद लिखिए सा नी धा पा मा गा रे सा। अब जो अवरोह है इसके बाद जो आपने सबसे पहला सा लिखा है इसके ऊपर आप एक छोटा सा डॉट दे दीजिए, जैसा कि आपने आरोह के आखिरी सा के ऊपर डॉट दिया है, अवरोह के पहले सा के ऊपर एक छोटा सा डॉट दे दीजिए। ठीक है, ये आपका अलंकार एक लिख कर तैयार हो गया। थोड़ी सी जगह छोड़कर हेडिंग दूसरी बना लीजिए अलंकार दो, फिर से ब्रैकेट में लिखिए 4x4, यानी अगेन आप 4x4 बीट्स पे ही अलंकार दो को करने वाले हैं। अलंकार दो ब्रैकेट में 4x4, फिर से साइड में हेडिंग बनाइए आरोह, अब लिखेंगे जैसे आपने पहले लिखा सा रे गामा। अब की बार जो आपको लिखना है इसको थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पर आप एक एक स्वर को दो दो बार लिखेंगे, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 सा। लास्ट में जो आपने सा सा दो बार लिखा है दोनों ही सा के ऊपर फिर से डॉट लगा दीजिए। अब फिर से आ जाइए इधर साइड में और फिर से अवरोह लिखिए, अवरोह की हेडिंग लिखने के बाद उसके आगे आप लिखेंगे सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब अवरोह के बाद जो दो सा आपने लिखे हैं इन दोनों सा के ऊपर फिर से आप डॉट लगा दीजिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ कि आरोह में एक ही सा में मैं डॉट लगवा रही हूँ, अवरोह में एक ही सा में मैं डॉट लगवा रही हूँ, मैं दोनों साइड के सा में डॉट क्यों नहीं लगवा रही, ये बताने के लिए मैं आपको आगे इसके बारे में समझाऊंगी। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपको अलंकार तीन भी लिख लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको तीन अलंकारों की प्रैक्टिस आज करने के लिए देने वाली हूँ। अलंकार तीन की हेडिंग बनाइए अलंकार तीन, ब्रैकेट में फिर से 4x4, अगेन वही बीट, चार बीट आपको काउंट करनी है, 4x4 फिर से लिखिए। अब फिर से आपने आरोह लिखा, आरोह की हेडिंग बनाई, इसके बाद क्या लिखना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखिए सा रे गा मा, सा रे गा मा, एक कॉमा लगाइए, रे गा मा पा कॉमा दीजिए, गा मा पा धा, फिर से कॉमा, मा पा धा नी कॉमा पा धा नी सा। और इस वाले सा फिर से आखिरी सा, आरोह का आखिरी सा है, इसके ऊपर फिर से डॉट दे दीजिए। अगली हेडिंग क्या बनेगी? अवरोह, अवरोह आपने लिखा, अब आगे लिखिए सा नी धा पा कॉमा नी धा पा मा कॉमा धा पा मा गा कॉमा पा मा गा रे कॉमा मा गा रे सा। अवरोह के बाद जो सा सबसे पहले मिला उसमें आपको फिर से क्या करना है? डॉट देना है। ठीक है, ये आपके तीन अलंकार जो 4x4 बीट्स पे ही चलने वाले हैं, ये तीन अलंकार आपने 1x1 एक सीक्वेंस में अपनी डायरी में या नोटबुक में नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब आपको इनको पढ़कर मेरे साथ गाने में, हारमोनियम के साथ गाने में, अपने पियानो के साथ गाने में या मोबाइल ऐप में ही, अगर आपने कोई हारमोनियम या पियानो का ऐप डाउनलोड किया है तो उसके साथ गाने में आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको एक के बाद एक तीन अलंकार
किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक गुण और दुगुण में किस तरीके से आपको अलंकारों को सजाना है, ये प्रैक्टिस मैं आपको हारमोनियम के साथ करके जैसे दिखा रही हूँ उसको आप बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, उसको समझिएगा और उसी तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस में इनको ले लेना है। बताना चाहती हूँ, काफी कुछ बताया है इस एपिसोड में। इन सब चीजों का आपको मनन करना है, चिंतन करना है, अध्ययन करना है और साथ के साथ अब आपको प्रैक्टिस सेशन में भी काफी मेहनत करनी है। अपने आप को थोड़ा सा और मजबूत करते रहिए, थोड़ा सा समय और कलेक्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय संगीत को देकर जल्दी से जल्दी अपने आप को संगीत की ऊंचाइयों तक लेके जाइए। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगले एपिसोड में कुछ और अलंकारों के साथ और कुछ और नई बातों के साथ आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।